हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैवर किच माय पैशन। मेरा नाम है पूजा राय और आज हम बनाएंगे बेबी स्कर्ट और बेबी टॉप। सो बेबी स्कर्ट बनाने के लिए देखिए, जो जीन्स अक्सर फट जाते हैं घुटने के नीचे से, ये वो है। घुटने के नीचे से जीन्स फट चुका था तो मैंने कटिंग कर ली हुई है। अब उसमें मैं कुछ यूनिक करने वाली हूँ। तो देखिए, ये आगे की साइड का है तो यहाँ पर हम एक एक इंच निशान लगाते हैं नीचे तक। इसके बाद हम सीधी इसकी कटिंग करेंगे कुछ ऐसे। कटिंग करेंगे तो ये आप देख सकते हो, ये इतना चौड़ा हो चुका है जो कि बेबी स्कर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा है। देखिए 12 इंच हो गया है। अब ये वाला जो हमारी सिलाई दिख रही है, इसे हमें कटिंग करके निकाल लेना है क्योंकि मोटा हो जाएगा तो मशीन की सिलाई चलेगी नहीं। अब उसे हम साइड में रख लेंगे। अब देखिए ये हो गया है तो ये वाला भी हम कटिंग करके निकाल लेंगे क्योंकि इस पर भी मशीन नहीं चलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। अब यहाँ पे देखिए, जो एक इंच हमने एक्स्ट्रा क्यों कटिंग किया है, वो डिज़ाइन के लिए। जो आजकल आप देख रहे होंगे डैमेज जीन्स, डैमेज जैकेट, डैमेज टॉप वगैरह जीन्स के, तो उसमें इस तरीके से कटिंग करके डैमेज किया जाता है, वो खुद से होता नहीं है। तो इस तरीके से इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद, पूरा कंप्लीट करेंगे हम, ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे चुन्नट कैसे बनाना है ये देख लीजिए। आपको कोई भी पेचकस या कुरूस जो आपके पास अवेलेबल हो उसे ले लीजिए और आप इस तरीके से चुन्नट बनाइए, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। ये वाला चुन्नट बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैं ज़्यादातर ये वाली चुन्नट का इस्तेमाल करती हूँ हर कपड़े में जिसमें चुन्नट का इस्तेमाल होता है। ऐसा करके मैंने आप लोगों को बहुत सारे पेपर में भी सिखाया हुआ है, स्कर्ट में और टॉप वगैरह में। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँच पाए और आप देख पाएँ। सो पेपर से ही सिलाई सीखना स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद आपको कपड़े पे भी सिखाया जाएगा। अब आते हैं इस वीडियो पे। अब हम दोनों पार्ट को सिल लेंगे, जो आगे का और पीछे का है। इस पे डबल सिलाई चलाना ना भूलें। इसके बाद हम 3 इंच का निकालेंगे बेल्ट पट्टी, क्योंकि बेबी का है, छोटी बच्ची का, तो उसके लिए 3 इंच बहुत है। तो अब हम इसे सीधा रखेंगे और इसे भी हम सीधे की साइड से रखेंगे। अब इसमें हमें चुन्नट का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल सीधी सिलाई बनानी है। देख सकते हो आप इस तरीके से, अगर आप बना रहे हो तो बहुत ही प्यारा बनेगा। आपने थंबनेल में देखा ही होगा कितना प्यारा ड्रेस तैयार बना हुआ है। सो इसके बाद हम इसे ऊपर की सेट करेंगे और हाफ इंच फोल्ड करेंगे। हाफ इंच फोल्डिंग करने के बाद हम बिल्कुल उसी के ऊपर लाएंगे ताकि ये हमारी नीचे वाली सिलाई बिल्कुल भी दिखाई ना दे। इससे क्या होता है कि कपड़े में फिनिशिंग बनी रहती है और बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आपका सिलाई चिथुरा चिथुरा इधर उधर दिखाई देगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको सब कहेंगे कि ये सिलाई में लुल है मतलब इसे कुछ भी नहीं आता। तो फिनिशिंग ज़रूर दीजिए। यहाँ ऐसे करके कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये वाला, इसे हम कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आप देख सकते हो कि ये है हमारा लास्टिक एरिया, इसमें हमें लास्टिक को डालना है। लास्टिक आप कोई भी ले सकते हो मार्केट से, जो आप अफोर्ड कर पाओ। यहाँ पे बच्चे के कमर से हम, बच्चे के कमर से 2 से 3 इंच हम कम ही लेंगे क्योंकि लास्टिक उसमें टाइटली बैठना चाहिए। अब इसमें हम पिन लगाएंगे, पिन की मदद से हम इसमें डालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे पूरा अंदर डालेंगे और कोरी हम, मतलब साइड का हम सिल लेंगे। ये वाला हम कोरी कह रहे थे, इसे हम कोरी भी कहते हैं, जो हम कॉर्नर साइड भी कह सकते हैं। हमारे गोरखपुर में तो कहते हैं कोरिया वाला मतलब साइड का। ये सिल लेंगे। अब दोनों साइड का सिलने के बाद हम बनाएंगे इस पर सिलाई। इस पर हम डबल सिलाई बनाएंगे, डबल ट्रिपल आप बना लें क्योंकि बहुत ही मज़बूत चाहिए होता है। बच्चे पता है कि कपड़े कितने जल्दी फाड़ देते हैं इसलिए।
अब देखिए 11 इंच की लंबाई है और 7 इंच की चौड़ाई है, ये चार फोल्ड में है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं 2 इंच, ओ सॉरी ये मार्कर नहीं लगेगा, चौक का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मार्कर छूटेगा नहीं और बुरा लगेगा देखने में। तो यहाँ पे 2.5 इंच गला, 3 इंच कंधा, जिस तरीके से बच्चे होते हैं जितना शोल्डर कंधा होता है गला होता है उसी हिसाब से आपको कटिंग करनी होती है। और पेपर में हमने आपको ये वाला जो मैं अभी निशान लगा रही हूँ ये मैंने बेबी फ्रॉक में ऑलरेडी बताया हुआ है, आई थिंक 10वें या 9वें वीडियो में जो सर्च करें सिलाई सीखने का 9वां या 10वां दिन, उसमें आपको ये मिल जाएगा पेपर पे। फिर आपको कटिंग कर लेनी है इसकी। कटिंग करने के बाद इस तरीके से जैसे ये कटा हुआ है ऐसे ही आपको अस्तर को भी कटिंग कर लेना है, जिस अस्तर का आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। उसके पहले यहाँ पे मैं हाफ शोल्डर रखूँगी, एक साइड ही शोल्डर रहेगा, एक साइड शोल्डर नहीं रहेगा, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। बहुत ही प्यारा और यूनिक लगेगा क्योंकि बहुत सारे में शोल्डर लग जाता है तो नहीं अच्छा लगता है, सो इसलिए। अब देखिए साइड का हम अस्तर कटिंग करने के बाद साइड का पूरा सिल लेंगे क्योंकि हमें कपड़े को एकदम अच्छे से रखना है, इधर उधर ना जाए, तो उसे फिनिशिंग के साथ सिल लीजिए। यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि वीडियो पूरा देखें एंड अंतिम तक देखें, क्योंकि सिलाई सीखने के लिए आपको एक दिन का दो दिन का वीडियो नहीं देखना है, नहीं सीख पाएंगे आप जब तक आप पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं करते हो। अगर आपको सिलाई नहीं सीखना है तो अगर डिज़ाइन आपको आ रही है जो कि बहुत ही यूनिक है तो प्लीज़ हमसे बताएं, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी डिज़ाइन आ रही है, क्योंकि मुझे कुछ आइडियाज़ की ज़रूरत है जो मैं चाहती हूं कि आप लोग ही दें मुझे वो आइडिया ताकि मैं और भी अच्छे से काम कर पाऊं। अब देखिए ये और एक पट्टी है जिसे हम तिरछी पट्टी भी कहते हैं, इसे हमें पाइपिंग जैसे बनाते हैं ब्लाउज में वैसे ही हमें थोड़ा सा तान करके बनाना है, ऐसे करके इस पर सिलाई बना लेंगे। ये हम उल्टे के साइड से बनाते हैं, अब ये सीधे के साइड में हम फोल्डिंग करेंगे एक बार और ये दो बार फोल्डिंग करेंगे तो इसमें कुछ इस तरीके से फिनिशिंग आ जाएगी, यहाँ पे ऐसे करके, ये देखिए। बहुत ही सावधानी से सिलना होता है, ज़रूरत नहीं है कि मुझे आ रहा है तो मैं ऐसे ही लबड़ सबड़ सिल लूँ, लेकिन बहुत ही ध्यान से मुझे भी सिलना होता है और आपको भी दिखाना होता है, तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक तो हो ही जाती है क्योंकि खुद सिलने में और फिर थोड़ी सी दिक्कत तो होती ही है हर चीज़ में, लेकिन आप बेस्ट करेंगे तो बेस्ट ही होगा। देखिए ये कंप्लीट हो गया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें बनाना है हमें चुन्नट जो कि बहुत ही प्यारा लगे, इसलिए अब इसे हम 2 इंच का था, 2 इंच का बनाने के बाद ये हम रखेंगे इस तरीके से। और मैंने पहले भी कहा है कि आप किसी भी छोटे पेचकस का या फिर किसी भी छोटी सी लकड़ी अगर आपके पास है, बेंत की लकड़ियाँ अगर आप तोड़ लें तो भी आप बहुत अच्छे से बना सकते हो इसे। एक अंदर की साइड में और एक बाहर की साइड में इसे बनाना है। ये हो गया ऐसे, सो गाइस अगर आप सिलाई सीख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मिस कर दोगे बापू। अगर चैनल अगर आपको कोई अच्छी चीज़ें दिखा रहा है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि टाइम सबके लिए बहुत मैटर करता है बाबू, टाइम उतना ही मिलता है सबको दिन और रात, उसी दिन रात में कोई निखर जाता है और कोई बिगड़ जाता है, तो आपके ऊपर डिसाइडेड है कि आप उस टाइम का कितना अच्छे से उपयोग कर रहे हो कि आप निखर जा रहे हो, या आप कितनी बुरी तरीके से उसे कर रहे हो कि आप थोड़े बिगड़ जा रहे हो। सो आप प्लीज़ 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 खुद भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए, मौका दीजिए दूसरों को भी सीखने का, और आप
सबके बहुत सारे प्यार के लिए थैंक यू सो मच। ये कंप्लीट कर लेंगे हम इस तरीके से, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए ये डोरी हमने बना करके रखी हुई है। डोरी बनाना मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है, तो डोरी बना करके उल्टा कर लेंगे और इसे हम सिलाई बनाएंगे। तो एक साइड हमने दूसरी साइड लगाया हुआ है डोरी, और एक साइड में हमने दूसरी तरफ, क्योंकि एक साइड में पीछे का हमारा डीप रहेगा और एक साइड में हमारा आगे का डीप रहेगा। अब साइड का कॉर्नर सिल लेंगे। इसे दोनों तरफ कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरीके से सिलाई बनानी है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। दूसरी साइड का भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग लगाने के बाद नीचे की साइड का मैं बताना चाहूँगी कि आप कैसे बना सकते हो और भी प्यारा इसे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो अगर बना रही हूँ तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच पाए और आप मेरी वीडियो को जल्दी से देख पाएँ। इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप वीडियो को देख करके सीख सकते हो। इसके पहले मैंने डाला हुआ है सरारा गरारा की कटिंग और सिलाई पेपर के साथ, और मैं नेट के कपड़े में भी डालने वाली हूँ सरारे गरारे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा वो वीडियो बन रहा है। अभी तो बन रहा है, लेकिन जब बन जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं वेडिंग ड्रेस भी ट्राई करने वाली हूँ। प्लीज़ आप बताएं कि आप कौन सा ड्रेस देखना चाहते हैं एंड कौन सा पेपर वाले पे देखना चाहते हैं, कौन सा कपड़े वाले पे देखना चाहते हैं। अब इसे नीचे की साइड से सिल लेना है। चुन्नट हम पहले इसलिए बना लेते हैं ताकि हमारी कपड़े पर जब हम सिलें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसे कंप्लीट करेंगे। चैनल पे बने के रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब बहुत ही प्यार सपोर्ट एंड देख रहे हो। अगर आप मेरी आवाज़ आप तक जा रही हो तो सिर्फ आपके लिए ही बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट एंड शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। अब देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट करने के बाद कुछ आपका इस तरीके से लग रहा है, और ये हमारा मिनी स्कर्ट बहुत ही प्यारा है, हॉट स्कर्ट है, बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा। प्लीज़ ट्राई करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय।